साथी लिख रहे हैं काफी साथी 2013 की जो एनम और जीएनएम की बात, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं बहुत ही ज्यादा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से आपके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा हुई, मैंने उनसे प्रार्थना की, मैंने उनको समझाने का प्रयास किया आपके द्वारा निकाली गई थी ये भर्ती 2013 में। अब इतना लंबा समय हो गया, उन्हें बहुत सारे तो ओवरएज हो गए, इतना गैप हो गया, अब वो पढ़ नहीं सकते। जो जो 10,000 समथिंग लोग रह गए एनम जीएनएम में, आप बड़ा दिल रखते हुए, उदार हृदय रखते हुए आप उनका एक बार उद्धार करो, वो आपको जीवन भर मुख्यमंत्री जी दुआ देंगे। वरना उन लोगों का जीवन बर्बाद सा हो जाए। बहुत से लोगों की बच्चों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, या पढ़ाई से उनका कोई वास्ता नहीं रहा, अब ना पढ़ सकते ना जा सकते, ये चली गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपके लिए तो खुशखबरी है ये कि मुख्यमंत्री जी बहुत ही सकारात्मक थे। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे बहुत, तो उन्होंने कहा ठीक है आप 2-3 दिन बाद सारी चीज लिख करके लाएं, क्या क्या इसके अंदर दिक्कतें आई, कैसे क्या क्या रुकी, सब चीजें मैंने बताई भी, लेकिन उनका नहीं, आप रिटर्न में इसको अच्छे से तैयार करके लाएं और मैं कुछ करूंगा। एक मैंने कहा सर इनका उद्धार सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और आपने किया तो आप उनके लिए भगवान का स्वरूप होंगे। मुझे उनका मन बहुत ही पॉजिटिव लगा, उन्होंने आश्वस्त किया कि बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा सरकार चाहे तो छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, कानूनी दिक्कतें हैं, उस सब का जैसे हाईकोर्ट में भी है कि सब चीज का रास्ता निकल जाता है, अगर अपन पहले तो मन बनाए। तो मैं आपसे कहूंगा आप हिम्मत नहीं हारना, संघर्ष करने वाले की सदा जीत होती है। आपने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत आंदोलन किया है, इसलिए टूटना नहीं, बिखरना नहीं। मुझे लगता है कि आपको आपका हक मिलेगा। पंचायत सहायकों के बारे में भी चर्चा हुई, बहुत से साथियों ने लिखा उनको नियमित करने के बारे में, उनके मानदेय को बढ़ाने के बारे में। तो उन्होंने बताया कि सरकार की हालत जो खराब है उसके बारे में, लेकिन मैंने निवेदन किया कि सर जैसे भी थोड़ा पटरी पे आए, इनसे कमिटमेंट था आपकी पार्टी का, इनका भी और भी संविदा कर्मी है उनको नियमित करने का, तो उसको पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसे जैसे ये थोड़ा ठीक होगा हम बिल्कुल करें। सेकंड ग्रेड की नियुक्ति के बारे में हुई कि मैंने कहा कि मैंने पहले भी विधानसभा में बोला कि आरपीसी अपना कैलेंडर जारी करें,